बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? ठीक हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज मैंने बनाया है गोभी आलू का सालन साथ में चावल। चले आए शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म हो जाता है तो प्याज डाल देंगे बारीक काट के। एक इसके अंदर प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो गया है तो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का मैंने चॉप किया हुआ है ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। थोड़ी सी हम इसकी बुनाई करके तो एक दो अदद मैंने टमाटर बारीक काट के इसके अंदर डाल दिए थे। कड़ी पत्ता डाल दिया मैंने इसके अंदर। अच्छी तरह मिक्स करेंगे फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। अच्छी तरह हमारा मसाला हो गया तैयार, इसके अंदर हम मसाले ऐड कर लेते हैं। लाल मिर्च का पाउडर मैंने एक टेबलस्पून डाला है। गरम मसाला मैंने एक टेबलस्पून डाला है। कुटा हुआ धनिया भी मैंने एक टेबलस्पून डाल दिया है। हल्दी मैंने डाल दिया आधी टीस्पून और नमक डाल दिया मैंने एक टेबलस्पून। अच्छी तरह मिक्स करके मैं इसको बनाई कर लेंगे अच्छी तरह हम। ये गोभी के जो पीछे वाला पार्ट होता है और हरे धनिए का ये हम पहले डाल लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। थोड़ा सा तकरीबन आधा कप पानी डाल के मसाले को हम अच्छी तरह भून लेंगे। आलू लिए थे मैंने 1 kg और अच्छी तरह धो के मैंने इन्हें काट लिया है। डाल के तो मैं अच्छी तरह इन्हें मिक्स कर लूँगी। आधा गिलास मैंने तकरीबन पानी डाला है इसके अंदर ताकि आलू और मसाला अच्छी तरह गल जाए हमारा। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह हमारे आलू और मसाला गल चुका है। अच्छी सी ग्रेवी बन गई इसके अंदर। गोभी के फूल डाल दिए हमने और अच्छी तरह मिक्स करके फिर दोबारा इसे दम पे लगा देंगे। इतनी देर में हम अपने चावल तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल ले लिया 2 से 3 टेबलस्पून। हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और ज़ीरा मैंने डाल के तो इसका तड़का तैयार कर लूँगी चावलों का। इससे बहुत ही मज़े के और बहुत टेस्टफुल चावल बनते हैं। अपने चावलों के मुताबिक हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून हमने नमक डाल दिया है। पानी गर्म हो गया था तो मैंने चावल डाल दिए थे इसके अंदर। अब चावल हमारे तकरीबन दम पे आ चुके हैं, इन्हें हम दम पे लगा देंगे। चावल हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल खिले खिले से खुशबूदार चावल तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह मेरा बगीचा हरा भरा और फूलों से भरा हुआ है। चलते हैं फिर से किचन में और देखते हैं हमारा सालन तैयार हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ग्रेवी इसकी बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। चावलों के साथ आलू गोभी का सालन ग्रेवी वाला। धनिया डाल दिया हमने और गरम मसाला 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर। अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। डिश आउट कर लिया हमने। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का हमारा सालन तैयार हो गया है। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना है, बहुत टेस्टफुल बनता है। प्लीज़ आप भी हमारी इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कैसी लगी आपको ये हमारी रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल और हमें भी रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।